ना मैं सर दादा, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। और मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया दुई मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, बालू जी से मैं बिहार में जेल में मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाचूंगी। भाई मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं ईटा चुराऊं, मैं बालू चुराऊं, मैं सीमेंट चुराऊं, मैं सरिया चुराऊं, मैं बिजली चुराऊं, मैं पानी चुराऊं, मैं कटिया फंसा करके हीटर जलाऊं, क्योंकि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं राशन चुराऊं, मैं गल्ला चुराऊं, मैं चावल चुराऊं, मैं गेहूं चुराऊं, जुदाएं दुकान पे मार के भगाऊं, क्योंकि कोटेदार है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। कभी इसके हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। दिनेश सिंह गुक्कज भैया के लिए है कि टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। अब मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। आज जब कूचे गए तब कैसे कहा, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह। पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, जब आपका प्रेमिका के भाई और दोस्त लात खा जाए, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। जब से मुझसे जुदा हुई मैं हो गया झंडूबा, मेरे महबूब तुमने सलाह, मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाएगी। हाँ बैठ जाए, वही चेहरों पे रवानी की दुआ मांग रहे हैं, बना नहीं बना रहा, ये न समझिए बना रहे हैं, कि चेहरों पे रवानी की दुआ मांग रहे हैं, आंखों में भी पानी की दुआ मांग रहे हैं, जब मांगने का चाल चलन इस कदर बढ़ा, तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांग रहे हैं। प्रधान जी, प्रधान जी, एक रोज उनको गलती से भूफा जी कह दिया, वो घर आके आज मेरी दुआ मांग रहे हैं। एक कहते हैं तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अब हकीमुद्दीन भाई क्या कहते हैं अपने खुर्शीद अनवर भाई से, कहते हैं कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हूँ मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। अब यहां मजा लीजिए, टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है।
महबूब की गली में जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। मैंने पुराने प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। ऊपर गोरी का मकान है, हरे आवरे 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 आवरे, नहीं प्यार है नहीं आएगी, बुलाते रहिए। ऊपर गोरी का मकान है, हरे आवरे 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 आवरे, ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिल ले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। ऐसे मैं कैसे प्यार करूँगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम ही से मैं प्यार करूँगा, हूँ मैंने दिल ये तुम ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर पार। कितना मुश्किल हुआ है उसको टेकअप करने में, इससे ज्यादा मुश्किल हो गई ब्रेकअप करने में। उसके साथ गुजारा कैसे मैं कर पाता बोलो, सारी रात गुजर जाती थी मेकअप कर, सजती और संवरती थी, सजती और संवरती थी, सबके दुख वो हरती थी, लेकिन मेरा खेत छोड़कर और जगह वो चरती थी, मुझे प्यार वो करती थी, मुझ पे फर्जी मरती थी, एक दिन मैंने जांच किया तो अस्पताल में भर्ती थी, बालों बच्चे वाली हो गया हमार जिंदगी या खाली हो, उठकर हम टाली हो गए बिना बाग के माली, उठकर हम टाली हो गए बिना बाग कुल माली हो गए। तो तुहरे भौजी कहीं चलत की? अच्छा तुहरे भौजी, तुहरे भौजी तो जनते है, एक दिन तो भाई अच्छे हम इतने बड़े बाल रख लिए, तो आपकी भाभी जब हमको बरमाला डालने चली तो माला रख दी नीचे, कहा पहले ये बताओ इतना बड़ा बड़ा बाल या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले। भाई ये इन बालों को, अब इन बालों को देख के बहुत परेशानी होती है, अभी कैंट पे उतरे 10-12 मिल गई ये वाले, बोले हाय हाय तुम तो अपने हो। हम कहे नहीं नहीं बेकार में चपने हो, हम एकदम क्लियर हैं, सही हैं, तुम्हारे ग्रुप के नहीं हैं। बोले जांच होगी, एक घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ वो वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। हम कहे बड़ी समस्या है, कैसे बनेगा काम, तो परेशानियां रहती हैं, लेकिन कहते हैं मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का, मेरी औकात किसी कवि शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का, इसे हमारा काम बन जाता है। ये बुरा मानने की बात नहीं है, वैसे भी ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, दादा साण बनारसी के हाथों में जब छड़ी देखी, तो इन नौजवान साथियों ने ये नए जमाने की घड़ी देखी। वाह, ये दादा साण बनारसी के हाथों में छड़ी देखी, ये छड़ी इसलिए है जब इनके बेटे भी छड़ी की तरह खड़े रहेंगे, क्या बात, तो इन छड़ियों की जरूरत नहीं होगी। वाह, इसीलिए अंबर भाई कहते हैं ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गईं, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कविता। अब अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे, जिंदाबाद अपना तिरंगा रहे, जिंदाबाद। तब अंबर भाई कहन चलते चलते तुहार भाभी करवा चौथ पे तैयार हो गई, बोले कैसे लग रही हूँ, अब उनको बताना पड़ा जैसे लग रही है, किसी से विदा लेंगे। हमने कहा कितना हसीन चेहरा, अब कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, और तेरे ऊपर कितना जमता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया
आया होगा दोपहर में प्यार दे दे प्यार दे ताली मार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे दे दे प्यार दे 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे इधर किसी बैंक से भाई किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे हे अम्मा बाबू प्यार दे प्यार दे। दमदार भाई ने हमको पकड़ा दिया इधर झाड़ू इधर पहना दिया चोली तो लीजिए थोड़ा सा हाथ से बैंक की गोली। अब कहते हैं दमदार भाई के लिए स्वागत है जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वो चप्पल मम देव देव जे कई चप्पल जूता हैरान हो मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मेरे दिल में बैठे हैं। आप लोग कैसे हैं जितने जिनकी जेब में पैसे हैं तभी लोग पूछते हैं भैया आप कैसे हैं। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। पहले सार नहीं दिखाई देते थे राजनीति में क्या से क्या बोल दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा पूर्व CM ने कि ये जो 100 नंबर हर चौराहे पर खड़ी ये हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए बोले ये जो चौराहे चौराहे पे साढ़ खड़ा ये हमारी देन है। पहले साढ़ कम होते थे अब साढ़ बहुत हैं। पहले एक ही साढ़ पाया जाता था वो भी काशी में अब वो भी इसका नाम होता था साढ़ बनारसी। अब इनके वंशजों ने इतना जब इतने ये इतना आगे निकल जाएंगे ये हमारे किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। आज साढ़ खेतों में इतना अधिक है कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं ये तो पहले नहीं रहे। तो वो कहती है थोड़ा धीरे से बोलो ये सब बाबा के आदमी हैं। वाह इसीलिए इसीलिए 4 पंक्तियां इन बूढ़े साढ़ों के नाम। अगर अंबर भाई आप कविता की कम पंक्तियां नहीं लिखते पूरे देश जानता है मैं पंक्तियां बिल्कुल नहीं लिखता। कील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़कर उसको सील कर देता है और सील करके तब अपील और दलील के साथ मुवक्किल को गुडफील करा देता है। तो वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठ के पूछते हैं वकील साहब वाला केस चला रहे हैं कि बंद कर दिए। अनवरत चलने वाली शिक्षा है। जी माला इसे पहनाते रहिए दूर से देखने में वैजयंती माला लग रही हूँ क्योंकि माला माल हो गया अब कमाल हो गया। गोरी तेरी चुनरी है लाल लाल रे हमसे बड़ा कौन है हियाँ रे माल रे। वाह दादा वाह। अब साढ़ बनारसी बैठे हैं अब मैं इनको प्रणाम करता हूँ 4 पंक्तियां इनको न छेड़ू तो समझ लीजिए साढ़ को छेड़ना इस समय बिल्कुल खतरे खाली नहीं क्योंकि सारे साढ़ जो है चौंक चौंक सींग लेकर घूम रहे हैं। बाबा योगी ने कहा घूमते रहो साढ़ बटालियन जल्दी बनाऊंगा और साढ़ बटालियन किसी भी साढ़ को बेरोजगार रहने नहीं दिया जाएगा सारे साढ़ों को नौकरी पे लगा दिया जाएगा और अपनी सींगों से चाइना और पाक को पेल कर मारने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं इन साढ़ों को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां ऐसे कह दिया अगर मजे मस्ती में कह दिया तो यार थोड़ा मजा मस्ती करके अपने इस साढ़ के नौजवानी की एक और सौगात देना है कहना है कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता सोना जमीन पे गिरकर कूड़ा नहीं होता भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाए क्या अंदर चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। और कभी भी मजाक मत करना इन बूढ़ों से ये अब भी सुपारी फोड़ते हैं मसूढ़ों से और गिर गए दांत तो मसूढ़ों का हाल क्या होगा
स्वच्छ अभियान है, कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आसपास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। तो आसपास के, और अभी तो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी पढ़ रहे थे, गुजर गए। अच्छा अच्छा और रेलवे के हम बहुत बड़े डिफाल्टर हैं, हम टिकट नहीं लिए क्योंकि हमसे कोई टिकट मांगता नहीं। टीटी सोचता है कि ये वो वाला है। अब टीटी आया कह कि अरे भाई गली में खड़े होके नहीं सब करो, किनारे मांगो किनारे। हमसे मांगता ही नहीं, हमसे कहता है आप ये वाले हो क्या। तो कहे कैसे पहचान गए, आप पहले थे क्या। क्या कहने, वाह 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 वाह। बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। वैसे भी हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान जगदम्बा तुलस्यान जी आपको इस स्टाइल में सुन रहे जैसे आप अनारकली हो मुगले आजम। अरे हाय हाय, जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा, जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा। लेकिन हम ऐसी अनारकली है, जवानी का इतना रुतबा है कि पूरा देवलिया फाड़ के पलट। भैया बहुत नजदीक से फोटो मत खींचिए, क्योंकि आदमी के फोटो बहुत नजदीक से खींचने से कुत्ते की शक्ल दिखाई देती है। भाई बहुत बढ़िया, इतना प्यार से खींच रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। आपने अब्राहम लिंकन की तरह दाढ़ी रखा है, मुझे बड़ा मजा आया। मैं इतना बड़ा प्यार से, ये जो अपना प्यार दे, हमारे देश की पुलिस तो बहुत अच्छी है, 100 नंबर डायल करो तो आ जाती है, 100 उठी पकड़ा दो चली जाती है। एक टिप्पणी और आ रही है, इस टिप्पणी पे मजा लीजिए। माननीय बाबू मुलायम सिंह ने कहा हमारा बेटा हमारे अधूरे सपनों को पूरा करेगा, तो बहन जी ने कहा अब हम गेस्ट हाउस बिल्कुल नहीं जाएंगे। ए, क्या बात है, क्या बात है, वा, 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 ए, 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 लोगों ने कहा अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा अंबर भाई। हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। बोले अगर इसमें कांग्रेस भी आ गई तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। ठीक ठाक नहीं चले उखड़ जाएगा खलंजा, पतंगे टूट जाएंगे उलझ जाएगा मंझा, पता नहीं कब हुई इन नेताओं का सुबह और संजय आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। इसी पे अपना बटन दबाकर बीजेपी को फिर से विजयी बनाए। अब की अमित शाह जी ने कहा अब की हमारे जो ईवीएम मशीन आ रही उसमें हमारे निशान का बटन वही नहीं रहेगा, न बजेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो सब खुश हो गए पार्टी वाले। बोले बसपा ने कहा हमें हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमें झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस ने कहा हमें पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, सपा ने कहा हमें साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बीजेपी वालों ने कहा आप लोग चाहे जौन बटन दबाओ हम लोग विजयी हो ही जाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। तो ये स्थितियाँ बहुत खतरनाक हो गई हैं, और आप सबका बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है, और यहाँ जितने लोग बैठे मैं देख रहा हूँ प्यार मोहब्बत का बड़ा चक्कर चल रहा है। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, थोड़ा नया नया पढ़ूंगा अच्छा रहेगा, हर साले तो आना रहता है, नया पढ़े, हर कवि का धर्म है नया पढ़े, नहीं तो वही पुराने पहले पढ़े हो यार। साल बनारसी एक पारखी आदमी है, वो जानते हैं यार क्या पढ़ रहे हो क्या लिख रहे हो, कम से कम लिखो ना, कम से कम लिख ना सको पढ़ तो सको है कि नहीं। कभी सम्मेलन के लिए लिखना जरूरी नहीं पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, और चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। अब बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने तनकर कहा हमको अब क्यों मारते हो, हम सयाने हो गए, हमको अब क्यों मारते हम सयाने हो गए। और थाने में यशो निकालर को पकड़ उससे कहा आप तो दीवान थे कैसे दीवाने हो गए।
आप तो दीवान थे, कैसे दीवान? क्योंकि आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है, आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है, अब पूछ हिला कर सर ने पूछा कहाँ कहाँ अब चरना है। तो कहीं प्रेमिका वहीं ले चलो जहाँ पे बहता झरना है, प्यार किया सो प्यार किया फिर योगी से क्या है। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ हुआ, हुआ। लेकर आएंगे बारा तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बराती नाचे बोतल भर भर पौआ। प्यार हुआ है और दमदार भाई, दमदार का मतलब जो बहुत ज्यादा दमदार हो, पूरा सीमेंट का बना हो, समझ लो मारो लात आपको लतवे छू गया, लेकिन ये बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ बढ़िया आदमी है, वही चार पंक्तियां, ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करते वक्त इनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक गलती इनसे हो गई, मैंने पकड़ लिया और वो आप तक पहुंचा रहा। स्वागत है, स्वागत है। कि युद्ध पर निकलते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, अब ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं, प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, अरे अरे होठ चूम लेते हैं और गाल भूल जाते हैं, और ओका छोड़ देते हैं केकरे लिए, हम सब लोगों के लिए। इतना जरूरी है कि छोड़ देते हैं, हमारा अपना भाई स्वरूप है, और की जो है कहते हैं कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कन्फ्यूज हो। कभी कभी व्हाट्सएप और फेसबुक से कुछ चीजें भेजते हैं आप, तो दूसरी चीजें भेजा जाती हैं, हमसे भी एक गलती हो गई, मैंने उसको पंक्तियों में बांधकर आपके मूड़े पे फेंक दिया। कैसे कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई। और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार से सुन रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ और आप तक पहुँचा देंगे, क्योंकि ये अपना देश है, यहाँ से पुलवामा को भी, पुलवामा के शहीदों को भी अबीर और चंदन कर देते हैं। बिल्कुल अंबर भाई, और ये क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहाँ केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, वो सबूत मांग लेता है और सरक जाता है। तब अंबर भाई कहते हैं, बहादुर सैनिकों की शौर्य पे उंगली उठाते हो, और न तुमको लाज आती है न कोई खौफ खाते हो, अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता ये जिहवा सिल गई होती जिसे इतना चलाते हो। और मैं जी 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 मैं प्रणाम करता हूँ, और सियासी रहनुमा अपने को मन मौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं, किसानों के ही बेटे सरहदों पर जान देते हैं, बड़े लोग अपने बेटों को कहाँ फौजी बनाते हैं। अंबर भाई जोश में आके कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरे हरे महादेव। डॉक्टर रमेश पांडे ने हमें माला पहना दिया, इतना बड़ा शरीर थोड़ी देर में लगा कि हमारे बीच में कुंभकर्ण अभी तक जीवित है। और मैं सब बड़ा
नमस्ते। जो भी मन से मुझे सिमेगा कलियों सा खिल जाएगा। जो भी आप कुछ ज्यादा रमेश भैया पे हंस रहे हैं, हमको लगता है आप पूर्व जन्म में उन्हीं के घर पैदा हुए। हालांकि हमारे उपाध्यक्ष है भाई, हाँ मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हालांकि साल बनारसी और दमदार बनारसी अगर दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में बिल्कुल इसी तरह से ठहाका लगा दे तो वहाँ की हथनियों और बघनियों के गर्भपात हो जाए। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, ढेर सारे नमन करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो है जो भी चार पंक्तियां और मुझे याद आ रही है कि बेशरम खुश है बहुत धोखे से हमको मारकर, सामना होगा तो रख देंगे तुम्हें हम फाड़ कर, एक लम्हे में मिला दूंगा तुम्हें मैं धूल में, मर्द की औलाद है तो सामने से वार कर। तांबर भाई हास रस में वीर रस को कैसे उड़ेलते हैं देखना है, कविता लिखता नहीं हूं कहता हूं कि एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेद के मारा जौन हो तौन देखा जाए। एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेद के मारो जौन हो तौन देखा जाए। अब हमारे देश के कुल कुकुरे जो पाकिस्तान पे भूख दे, अपने पंजस मार मार कुल हड्डी गुड्डी भूख दे, हमारे देश के कुल लड़के जो पाकिस्तान पे मूत दे, एक मिनट में बह जाबे जब देश पे तोहरे थूक दे। हमारे देश के कवि और शायर, देश के कवि और शायर कलम उठाए के कूक दे, हमारे देश के कवि और शायर कलम उठाए के कूक दे, फिर चिलम बाज तब एक मिनट में देश के तोहरे फूंक दे। अब रावलपिंडी से होई के तब हमारे देश के रेखा जाए, कुल सारिन के खेत के मारा चार हो तुम देखो। और बड़ी पंक्तियां आ रही हैं, रावलपिंडी भी भिंडी सी एक दिन काटी जाएगी, लगा कराची से कह देना वह भी बांटी जाएगी। ए मत भूलो भारत में हम हड्डी से वज्र बना देंगे, परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे। परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे, यद्यपि युद्ध हुआ तो फिर मेरा नुकसान नहीं होगा, संपूर्ण विश्व के नक्शे में तब पाकिस्तान नहीं होगा। मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगा, कोई संतान नहीं होगा, गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा, गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा, फिर गलम कलाहिम डाल डाल कर बारी बारी सेका जाए, कुल सारे इनके खेत के मारे जान हो चलते। क्या ऐसे हो गई हैं, आपका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है, चार पंक्तियां और पढ़ते हुए विदा ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत वाह 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 वाह, बधाई आपको। हमारे बीच में भाई भीमसेनी कपूर से बना हुआ नयन चैन आजन व सुरमा हमारे बीच में आ गया है, मैं इसको जहां जहां दर्द होगा वहां वहां लगा लूं, क्योंकि किसी ने इतना प्यार से दिया है, मैं सिर्फ इसको आंखों में ही नहीं लगाऊंगा, पूरे शरीर में जहां भी दर्द हुआ मैं लगाऊंगा, यही इनका प्रेम है हमारे प्रति। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे, हाँ, और ढेर सारे नमन करता हूँ, इतना प्यार इतनी मोहब्बत दे दिया कि पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए, इतना गर्मी पड़ी भाई एकदम चितकबरा हो गए। वहां से गंगा निकली यहाँ आ गई, लेकिन कहते हैं बहुत यहाँ बड़ा बहुत भीड़ इस बार आ गई, क्या आप लोगों ने तो बुलाया है नहीं, ये लोग अपने आप आए हैं। हमको लगता है बाबा भोले की नगरी में लोग ऐसे मेरा मन डोले तेरा तन डोले, पता नहीं कैसे विदेशी लेके धन डोले। आप लोग इतना बढ़िया से यहाँ सुन रहे हैं, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, और जितने लोग उपस्थित हैं सबको, तो अभी तो कोरोना आया था आप लोग तो जानते हैं, अब तो कोरोना आएगा नहीं क्योंकि इंडिया में अब हम हैं, कोरोना हमको देखा हमारे भी बाल उसी तरह बिखरे हुए, बोला एक और मेरी तरह कौन है, हमने कहा मैं तुम्हारे मौसी का लड़का हूँ, पहचानो मुझको, जल्दी से भाग जाओ नहीं तो हम और मोदी जी तुम्हें पटक पटक के मारेंगे। पत्रकारों ने हमसे पूछा आपका मोदी जी के बारे में क्या विचार है, हमने कहा हरी भरी यह गोदी है, कितना भाव विनोदी है, जौन करत बा करत भैया बुरा न माना मोदी है। क्या बात है, वाह, अब झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना,
अब घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा जी से पंगा मत लेना। यार राजा, ये उनके लिए है जो देश के खिलाफ होते हैं, ये सबका देश है। इलाहाबाद में देख के आए हैं गुरु। देखिए ये बसंत यादव हैं, देखिए ये बसंत यादव जी हैं। अरे हमको माला पहना दिया, हम भी बसंती हो गए। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है रामगढ़ वालों। गब्बर मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो मेरे दोनों पैर ही काफी हैं। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुन रहे हैं। और ये तो बसंत यादव भाई जब मिल गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 125 सीट माननीय अखिलेश यादव ने निकाली। बसंत यादव मुझे फोन किए कि अंबर भाई 125 सीट निकली है, बाबा फिर से आ गए। हम कहे बसंत भाई आप यादव लोग नाराज मत होइए, आपके नेता ने अकेले 125 सीट निकाली है, आप भी बाबा योगी के सगे हो, कम से कम 125 लोग तो विधानसभा तक लगे हो। ये अलग बात है, वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, आज के अर्जुन है बुलडोजर चला रहे हैं। क्या बात, बसंत यादव भाई कहें अंबर भाई या हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, सरकार चाहे जिसकी हो। वाह, समाजवादी पार्टी ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा वालों ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाए। विजयी भी हमने बढ़िया ललकार के सुनना है। नया नया लाया हूँ, हर साल आता हूँ, नया नया लाता हूँ। क्योंकि तो यादव जी का कहे बसंत भाई, देखो अंबर भाई हम लोग यादव हैं, अब यादवों का एक स्वभाव है जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, कभी बदलेगा नहीं। हमने कहा यादव जी आपका जन्म सिद्ध अधिकार क्या है जो कभी नहीं बदलेगा, तो कहने लगे हमका बोलाऊ ब्या तो भाई करबू गैया भैंसिया जी अबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका दूधवा में पानी मिलऊ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर कोई यादव, यादव के सम्मान में बोल रहा हूँ, अगर कोई यादव ओरिजिनल दूध आपको पिला दे आपका पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको बैलेंस पे बनाते हैं। तो हे भगवान ये बैलेंस सदियों तक बना रहे। क्या बात है भाई, वाह। मैं बहुत ही बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं, इतना मन से सुन रहे हैं। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मुनक्का तुम ही हो, छुहारा तुम ही हो। स्वागत है भाई, स्वागत। बहुत, बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। अरे उड़ी उड़ी बैठी हल भैया दुकनिया। दमदार भाई, जब दमदार चीजें आती हैं, अच्छा आप लोग जो है एक तो लाल चुनरी आप उड़ा दिए है, ये पूरा हमारा जिंदगी सपना चौधरी बना दिया आपने। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो। क्या बात है। हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने। और बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। प्रशांत जी कहाँ गए, पहले कभी जो आए थे जी। डॉक्टर प्रशांत जी बैठे हैं भाई, वो प्रशांत महासागर है, पता नहीं कितने लोगों को अंदर अपने घुसेड़ लिए हैं। ऐसे जो है मैं खेतों में थे, अब जब सांड बनारसी दादा को देखता हूँ, एक एक आदमी ने कहा आपने सांडों पे बहुत कुछ कहा है अंबर भाई। हम कहे हमने सिर्फ सांड बनारसी पे कहा है, यार आप गलतफहमी में हो। बोले कैसे, खेतों में इतने सांड हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। तो ये सांड बनारसी मामूली आदमी नहीं है, ये बाबा के आदमी हैं। जोरदार तालियां, स्वागत कर दीजिए। वाह, ऐसे ही नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। कहते हैं जो है वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसे छूता हूँ करे।
क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इसे ललकारे रहा, इसलिए ललकारे रहा, जियत रहा, अनाहित मनोकरण क्या बहुत दूर नहीं है। आप हमको जीवित रखिए, जितनी सांसें लिख के लाया हूँ। ये मोहन भाई बहुत अच्छे हैं, बादशाह प्रेमी बैठे हैं। देखिए वो बादशाह प्रेमी है, इनकी कोई बेगम भी नहीं है अभी यहाँ, और हम लोग चिड़ी के गुलाम बैठे हैं, और हमारा नाम जोकर है। कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता है, और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाने। इसलिए इन बच्चों से कहा, मैं चाहता था जिसको फरहाद की तरह, मैं चाहता था जिसको फरहाद की तरह, इस दिल को मैंने पाला था औलाद की तरह, उससे बिछड़ के मुझको सदमा यही लगा, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है गुरु। और बहुत बढ़िया आपने सुना, इक प्यार का नगमा है, कविता बनी नहीं है, बना रहा क्योंकि उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बीच बजरिया लुटावे जवनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। इनमें कोई कविता है क्या? ये कोई कविता नहीं है, महज मनोरंजन है, क्योंकि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना, तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। क्योंकि मिटाने से नहीं मिटती, बना रहा हूँ सर। हाँ बने 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 गुरु, गौर से नहीं सुनेंगे बिगड़ जाएगा। ना ना, मिटाने से नहीं मिटती, मिटाने से नहीं मिटती, निशानी उसको कहते हैं, वाह, जो हर एक दिल पे छा जाए, कहानी उसको कहते हैं, पसीना जो करे पैदा किसानी उसको कहते हैं, जो सीमाओं पे टकराए जवानी उसको कहते हैं। भाई वाह, क्या बात, एक जवानी सीमा पे टकरा रही है, क्या बात है भाई, एक जवानी सीमा नाम की लड़की से टकरा रही है। तब जब सीमा नाम की लड़की से टकरा रही है तो जीवन बीमा खराब हो जाता है। एक तो हमारा टिकट ट्रेन में नहीं लगता, दमदार बनारसी हमारे साथ बम्बई जा रहे थे, बोले टिकट नहीं भैया, कैसे होगा, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे जब आप हमारे निकट हैं तो आपको टिकट कोई नहीं मांगेगा, बस आप गैलरी में खड़े रहिएगा, जब टीटी आए तो बस आपको ऐसे ऐसे करना है। आप अपना माहौल बनाए रहिए, हमारा पहले से भगवान ने बनाया है। हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज। सब दमदार बनारसी भैया को लेके गले खड़े हैं, हाथ एक बार उठा, प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। ये बूढ़े नहीं हैं, इन्हें बूढ़ा मत समझिए, चार पंक्तियां इनको दे रहे हैं, रमेश भैया संभाल लेना, कि भले हो जिसमें बूढ़ा सर, दादा दादा आप हमेशा चिर जवान रहें, क्योंकि चेहरों पे रवानी की दुआ मांगने लगे, सर दादा को देखकर सुनिएगा, बना रहा हूँ, चेहरे पे रवानी की दुआ मांगने लगे, आंखों में भी पानी की दुआ मांगने लगे, जब लड़के लड़कियों को देखा प्यार यूं करते, तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। अंबर भाई और हाथ से का बढ़ाते हैं, सांड दादा रमेश दादा के जैसे तमाम बूढ़ों के सम्मान में रख दिया, कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हलके में हर गजे न ले लाए बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। बहुत बढ़िया,
ये बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बूढ़े हुए हैं जब से। ये कौने बूढ़े के देई हो, सब जवान दिखात हैं। देखा एक बूढ़ा कहा था ना हमारी दैया, बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन ये ऐसे रस हैं, बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से सुन रहे हैं और जितना मन से सुन रहे हैं, एक दो मिनट और रहेंगे, बहुत अच्छा है। लंबी टीम है, मगर लंबी टीम का ध्यान मत दीजिए, आप हमारा ध्यान दीजिए, हम आपका ध्यान दें, क्योंकि एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर दस मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई, लड़के ने प्यार में क्या कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी, हो मितवा लागे न रे जियरा। लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल पड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना।